ये पुष्कर में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे, एक महिला आके उसने बताया कि भी उसके साथ दो जनों ने गैंगरेप किया है। तो उसके आधार पर 305 नंबर FIR दर्ज हुई है कल पुष्कर में। उस महिला का मेडिकल वगैरह करवा दिया गया और जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से संपर्क में आई, क्या आरोप लगाया गया है? महिला का ये कहना है कि मेरी किसी से जरिए फ़ोन वार्तालाप हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ फ़ोन करके बुलाया और फिर उसके साथ में गैंगरेप की घटना कारित की है। महिला क्या करती है कुछ? महिला जयपुर की रहने वाली है, इतना पता चला है बस, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। शादीशुदा है या मैरिड? हाँ, महिला को मैरिड बताया गया है। दोस्ती का झांसा देके बुलाया गया था? अब ये कुछ इस तरह का ही बताया कुछ कि भाई कुछ झांसा देके उसको यहाँ बुलाया गया और उसके साथ में गैंगरेप की घटना की गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि नशीला पान खिलाकर होटल में ले जाकर बेहोश कर दिया। हाँ, उसने जो अपनी FIR दी उसमें बताया कि मुझे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया और जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना कारित की गई। मेडिकल वगैरह हो? हाँ, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सर नहीं है? नहीं, आरोपी अननोन ही है। उसके जरिए फ़ोन उसकी दो कुछ बातें हुई और फिर आरोपी ने उसको बुलाया तो संबंध में सारी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, आरोपी के संपर्क में कैसे? फ़ोन से, मैंने बताया ना, फ़ोन से उनके वार्तालाप हुए, फ़ोन से बात हुई। आरोपी का नाम बताया? आरोपी पुष्कर के रहने वाले हैं। कितने दिन हो गए सर? लगभग एक ही है और साथ में दो, उसने दो जनों का नाम लिया।